आज जनपद प्रयागराज के अंतर्गत क्राइम ब्रांच की टीम, थाना कौंदियारा और थाना थरवई की ज्वाइंट टीम ने एक बेहतरीन कार्य करते हुए बंजारा गिरोह का एक पांच सदस्य छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सदस्य मूलतः विभिन्न क्षेत्रों में बंजारों के रूप में टहलते थे और उन क्षेत्रों में रेकी किया करते थे। जो एकांत में घर मिलते थे वहाँ पर ये चोरियाँ कारित करते थे। साथ में अगर जब ये चोरियाँ करते थे तो कोई व्यक्ति अगर इन्हें देख लेता था या पकड़ लेता था तो उससे बचने के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर देते थे। जाँच क्रम में, पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये स्वीकार किया कि थरवई में जो 2019 में एक दंपत्ति की हत्या की गई थी वो भी इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। जब ये उस क्षेत्र में चोरी करने के लिए उनके घर में घुसे थे तो वहाँ पर दंपत्ति जग गए थे, जिस कारण से उन्होंने उसकी पेचकस और अन्य नुकीली चीज़ों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसमें जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। टोटल इनका जो गैंग है वो 11 सदस्यों का है, जिनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, 5 को वांछित किया जा रहा है और पुलिस टीमें निरंतर इनके लिए दबिश दे रही हैं। प्रयागराज में अपराध करते थे या अन्य जनपदों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाशी जा रही है? अन्य जनपदों से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। टोटल अभी तक इनके ऊपर 11 मुकदमे सामने आए हैं और अन्य जनपदों से, इवन अन्य 7 के जो प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि इनकी क्या और क्रिमिनल हिस्ट्री है या कोई और भी वारदात में ये शामिल रहे हैं या नहीं। मोडस ऑपरेंडी इनका चोरी के बाद अगर कोई विरोध करता था तो हत्या कर देना था। मूलतः ये बंजारों के रूप में उस क्षेत्र में निवास करते थे और उस क्षेत्र के 5-6 किलोमीटर के रेडियस में ये पैदल टहला करते थे, रेकी किया करते थे और जो भी घर एकांत में मिलता था वहाँ पर अपने अनुकूल स्थितियाँ देखकर उस घर में प्रवेश करते थे और वहाँ चोरियों को अंजाम देते थे। यदि कोई व्यक्ति जग जाता था तो इनके पास जो पेचकस और नुकेले हथियार होते थे उससे ये उसका मर्डर कर दिया करते थे। ठीक।